हे गाइस, मैं जा रही हूँ अपने बालों के ट्रीटमेंट कराने। अब वो पता नहीं क्या रूटीन होगा या फिर क्या होगा, हम देखते हैं। हम वहीं पर डिसाइड करने वाले हैं कि कैसा रहेगा। तो रेडी मैं हो चुकी हूँ, अब मैं रेडी होके जा रही हूँ सीधा। तो भाई देखो मैंने क्या पहना हुआ है। मैंने ये टॉप पहन लिया और उसके नीचे मैंने जीन्स पहनी है। फिर कुछ ना हो जाए, मैं यही सोच सोच के परेशान हूँ। कराने जा रही हूँ। मैंने आपसे पूछा था कमेंट्स में कि मैं कैरेटीन करवाऊँ या फिर स्मूदिंग करवाऊँ, तो किसी ने बोला था कि आप कैरेटीन करवाओ, कैरेटीन अच्छा होता है। किसी ने बोला था स्मूदिंग करवाओ, वो अच्छा होता है। और किसी ने ये भी बोला था कि कुछ भी मत कराओ, बाल खराब हो जाते हैं, कि नहीं करानी चाहिए। तो भाई मेरा मन है कि मैं करा लूँ, एक मन है कि ना कराऊँ। तो वो वहीं पर जाके पता चलेगा, शायद मैं कैरेटीन की जगह या फिर आईलैशेस भी करवा लूँ। तो मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं है कि मैं क्या करवाने वाली हूँ। मैं वहीं पर जाकर पता चलेगा क्या करवाने वाली। तो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। देखे हो मेरे बाल ठीक ठाक रहे, इतने लंबे बाल है ना मेरे, और ये खराब हो गए ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होगा। चलो गाइस मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय। मैं पहुंची नेल स्टूडियो बाय रजनी मेकओवर। आप जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से उतरोगे और रिक्शा लेकर यहाँ पर पहुंच जाओगे, बहुत ही पास में। और इनकी स्टूडियो देखो कितनी ज्यादा यूनिक है। इनकी थीम पिंक ग्रीन एंड येलो कलर की, मेरे को तो काफी ज्यादा एलिगेंट और क्यूट भी लगी। और भाई सबसे पहले मैंने कराई नेल एक्सटेंशन। और बात करें इनकी सर्विस की, क्लाइंट को ट्रीट करने का तरीका इनका काफी ज्यादा अच्छा है। ये अच्छे से क्लाइंट को हैंडल करते हैं, उनके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भाई सबसे पहले मैंने नेल एक्सटेंशन कराए थे जो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, तो हेयर कराने वाली थी। फिर मैंने डिसाइड करा मैं आई लैसेस एक्सटेंशन करवाऊंगी, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी नहीं करवाए थे। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि हाँ क्या होगा, दर्द होगा क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया। सबसे पहले ग्लू आई थिंक ग्लू होती है, उससे ये पेस्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि मुझे दर्द होगा या फिर ये जो मतलब जिस चीज से ये वर्क कर रहे हैं वो मेरी आंख में ना चुभ जाए, इतना ज्यादा मेरे को अजीब सा लग रहा था अंदर से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इनको ना मेरे को इन्होंने मेरे को समझाया भी कि आप रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होता, दर्द भी नहीं होता। और सच्ची में मेरे को पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। एटलीस्ट इन्होंने ये बोला था कि हाँ आपको इचिंग हो सकती है हल्की सी, लेकिन मेरे को इचिंग भी नहीं हुई। और भाई इतना इतना ज़्यादा ये मतलब कि मेरे को तो अच्छा लग रहा था, मेरे को डर भी नहीं लगा, कुछ भी ना। मेरे को तो हंसी और आ रही थी, इतना ज़्यादा फन था। और सेकंड आई में मेरा होने वाला था और फर्स्ट आई में तो मेरा हो गया था, और फिर इन्होंने सेकंड आई में भी स्टार्ट कर दिया। और जो मेरी आई लैसेस की जो लेंथ थी वो थोड़ी लॉन्ग में थी, तो इन्होंने लॉन्ग ही चूज करी। और ये क्लाइंट को बताते भी है कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, आप ऐसे करवाओ, आप ऐसे करवाओ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको ये कराना चाहिए। और इनकी स्टूडियो तो काफी ज्यादा पसंद आई मेरे को। और ये ब्लो फैन था, इससे हमारी जो आई लैसेस जो पेस्ट होती है उनको सुखाना होता है। और ये मेरी आई लैसेस सेट करके देख रहे हैं और मुझे इतनी ज्यादा हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ये क्लाइंट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि हाँ वो रिलैक्स हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह। तो मेरा 1 आवर भी नहीं लगा, इतनी जल्दी मेरा ये आई लैसेस एक्सटेंशन हो गया। और मैं आपको बिफोर और आफ्टर का भी दिखाती हूँ। तो ये था मेरा बिफोर का और ये है आफ्टर का। और इनके पास अलग अलग ऑफर भी है, मैं साइड में लगा देती हूँ, आप चेक कर सकते हो। मुझे काफी अच्छी लगी आपकी सर्विस। और बताएं आपका क्या, कैसा आपका रिव्यू क्या है, आप सर्विस से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे नेल्स भी काफ़ी अच्छी लग रहे हैं और मेरी आई लैसेस भी बहुत अच्छी हो गई है पहले से, जैसे कि देख सकते हो। तो मैम आप और कस्टमर्स को आप सजेस्ट करेंगे? हाँ मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आओ यहाँ पर आके देखो, इतने प्यारे प्यारे नेल्स कराओ, इतनी अच्छी अच्छी आई लैसेस कराओ। मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ आई लैसेस कराते टाइम, और बहुत ही कम टाइम लगा, इतनी जल्दी मेरी आईलैशेस भी है जो वो हो गई है। सो गाइज विजिट करो नेल स्टूडियो बाय रजनी मेकओवर में, मेरा तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा।